हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड हरे कृष्णा टू ऑल। सो गाइस, आज मैं 6 बजे के करीब उठ चुकी हूँ और इस टाइम बहुत ही अच्छा जो मौसम है वो हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टाइम से मुझे इसे रिकॉर्ड करना चाहिए और आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे का व्यू है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुहाना है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मेरे बालकनी का व्यू है। अब इस कैमरे में कैच नहीं होगा, बट यहाँ से एक छोटी सी नहर आती हुई भी दिखती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और जब ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें पानी भी काफ़ी ज़्यादा उसका फ़्लो होता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शो भी होता है और अच्छा भी लगता है। सो गाइज, अभी तो ये जो है मेरे बालकनी का व्यू था। मैं आपको अपने छत पे जाकर भी दिखाऊंगी किस तरीके का जो ये पूरा ओवरऑल व्यू है वो किस तरीके का होता है। बस करो यार, उठ गए हैं। चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है, मतलब मैं छत पे जाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का व्यू है यहाँ पे ओवरऑल। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, देखिए हम अपने छत पर आ चुके हैं और चलिए मैं आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाती हूँ। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो गाइस, ये तो था मेरे छत पे का व्यू जो कि मैं आपको दिखाना चाहती थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस, अब मैं जाऊंगी नीचे और थोड़ा बहुत जो भी घर का काम होता है वो मैं करूंगी, फिर उसके बाद चाय बनाऊंगी खुद के लिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं काम, क्योंकि फिर किट्टू उठ जाती है तो किट्टू के साथ भी मुझे लगना होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से अपने काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बाय बाय। हे गाइस, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने नहा लिया है, सारा काम कर लिया है, उसके बाद जाकर मैंने यहाँ पर पूजा भी कर लिया है अपना। तो ये देखिए, मैंने पूजा कर दिया है। सो नाउ अब हम जाएंगे चाय बनाएंगे, और मैंने पूजा करने के बाद ये चाय चढ़ा दी थी, तो मेरी जो चाय है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसे मैं निकाल लूँगी पीने के लिए। सो गाइज, ये जो चाय है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है मेरे लाइफ का। अगर मॉर्निंग में इसे ना लो तो ऐसा लगता है कि अभी मॉर्निंग जो है वो अधूरी रह गई है। तो चलिए, जो मेरी चाय है वो कम्प्लीट हो चुकी है, अब इसे मैं कप में डाल लेती हूँ। सो हेयर वी गो, अब हमारी सुबह जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, इस चाय की चुस्की को लगाते हुए हम देखते हैं कि हमारी जो बिटिया रानी है वो क्या कर रही है। अभी जो टाइम है वो बिल्कुल बज गए हैं 8:10। सो अभी हम किट्टू को उठाएंगे, तो चलिए मैं किट्टू को उठा लेती हूँ। किट्टू, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पूरा ऐसे फैल के सोई है जैसे पूरा बिस्तर इसी का है। आप सो रखे हो गुलू? गुड मॉर्निंग बेटा। ये देखिए, ये इसी तरीके से सोती है पूरी रात, मुझे भी सोने में डिस्टर्ब करती है और अपने पापा को भी। और मेरा बच्चा, अरे क्योंकि इसे थोड़ी सी स्पेस में इसकी नींद जो है वो पूरी नहीं होती, इसे पूरा स्पेस चाहिए होता है। अरे मेरा बच्चा, आजा 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 मेरा बच्चा। सो गाइस, हमारी जो किट्टू है वो उठ चुकी है, सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। अरे बाबा, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा भी बोल दो मेरा बच्चा। तो यहाँ पर किट्टू उठ चुकी है, और इसे उठाने के बाद अब जो मेरी ड्यूटी है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके पीछे पीछे लगे रहना, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा शैतानी करती है ना, कि बस एक बार इस सो के उठ जाती है तो ऐसा लगता है ये चार्ज हो गई है पूरी।
जब तक इसकी बैटरी बिल्कुल लो नहीं होती तब तक ये सोती नहीं है और तब तक ये काम थकाती रहती है पूरे दिन। तो चलिए अब इसके साथ जो है मस्ती स्टार्ट की जाए की जाए। आप पहले क्या करोगे पहले बता दो, क्या करोगे? अभी सो के उठे हो ना आप, आप क्या करोगे सबसे पहले बताओ? ब्रश करोगे? बता दो, मैं सबसे पहले ब्रश करूँगी, बोलो। हाँ बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मैं सो के उठी हूँ ना अभी, है ना? ठीक है, तो चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ, इसे थोड़ा सा फ्रेश कर लेती हूँ, उसके बाद हम दोनों आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट बनाने। तो आज हम ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं चीले, ये मीठे वाले चीले हैं जो कि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, तो आज मैं नाश्ते में कुछ यही बना रही हूँ। अभी मैंने किट्टू को उठाकर उसे सब चीज़ उसे फ्रेश कर दिया, देन उसके बाद मैं नाश्ता प्रिपेयर करने आई हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं चीले कुछ इस तरीके से बनते हैं जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो ये जो है मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो चुका है। अब मैंने इसे थोड़ा सा चटनी और थोड़े से अचार के साथ इसे बिल्कुल टचअप दे दिया है, एंड देन अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। तो चलिए, सो गाइस हमने नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करने के बाद हम दोनों बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं ना? हाँ अच्छा, किट्टू सबको बोल दो कि मम्मी के चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। किसके चैनल को? मम्मा के चैनल को। तो गाइस अभी किट्टू ने भी बोल दिया कि आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया है, हम दोनों बस नाश्ता करके बैठे हैं और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। अभी मैं लंच की प्रिपरेशन भी थोड़ी देर बाद में करना स्टार्ट करूँगी, अभी बस बैठे हैं, कुछ जो भी थोड़ा बहुत काम होगा वो अभी मैं करूँगी। अभी किट्टू को नहलाना है, आप नहाए नहीं हो ना अभी? बम बम करना है, करना है ना? हाँ तो किट्टू अभी बम बम मतलब ये नहाने को बम बम कहती है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो अभी ये नहाएगी और मैं थोड़ा बहुत अपना काम देखूँगी, जो मुझे थोड़ा एडिटिंग वगैरह का कोई काम। अरे वाह, ऑरेंज कलर कहाँ है? इन्नी है, इधर तो नहीं है ऑरेंज कलर, लाइट चली गई। अच्छा उधर है, तो बस इसके साथ लगे रहेंगे हम भी और फिर मैं अभी लंच की प्रिपरेशन करूँगी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज भी मेरे जो हस्बैंड है उनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो वो ड्यूटी जा चुके थे मॉर्निंग में ही 4:30 बजे के करीब। फिर उसके बाद से मैं थोड़ी देर लेटी थी बट मुझे नींद नहीं आई। आपके पापा ड्यूटी गए? अच्छा ओह, तो किट्टू ने ही बता दिया कि उसके पापा ड्यूटी चले गए थे। तो मॉर्निंग में मैं जैसे लेटी तो मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, तो मैं बस ऐसे ही थोड़ी देर सोने की कोशिश की, जब नींद नहीं आई तो बस फ़ोन में थोड़ा सा देखने लगे। आप भी सो गए थे? ये मुझे बोलने नहीं देगी, आप ही बोलो, आप ही होस्ट करो चैनल को। अच्छा आप भी ऐसे सो गए थे, और क्या क्या किया था? तो जो मेरे हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट थी इस वजह से वो मॉर्निंग से आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो फिर मैं सोई नहीं, मैं भी ऐसे उठ के मैंने बस व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया। एंड अभी 10 बज रहे हैं और हमारा मैक्सिमम जो काम है घर का जो काम होता है डेली वाला वो हो चुका है, बस अब लंच की प्रिपरेशन करनी बाकी रह गई है, तो वो मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना हाँ करने जाएंगे अभी हाँ, तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर ली जाए थोड़ी बहुत। तो बस यही जो रूटीन है वो आज का रहेगा। तो बस अब मैं अगर थोड़ा सा अगर मुझे टाइम मिला किट्टू से तो मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग का जो भी काम है मेरा वो मैं देखूंगी, बाकी रील्स वगैरह तो मैं बनाती हूँ। अगर आपने अब तक मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे जाकर जल्दी से फॉलो कर लो। तो गाइस जो मेरा इंस्टा आईडी है वो मैं आपको दे दूंगी स्क्रीन पर, तो आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाती हूँ और अपने लाइफ के बारे में और भी बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ, तो आप ज़रूर जाकर वहाँ पे मुझे फॉलो करें।
और गाइस अगर आपने अब तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ यार क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट कर दो जिससे आगे मैं जो भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो रही बात मैं व्लॉगिंग करना, एक्चुअली मैं व्लॉग पहले करती नहीं थी तो मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। और अगर आपको कोई भी इसमें कमी लगती हो या ऐसा लगता हो कि इस चीज़ को मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा जिससे मैं अपनी जो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा जिससे मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं या चाहे तो आप मुझे इंस्टा पर डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ लंच के बाद, या मैं आपको अगर कुछ स्पेशल अगर आज मैं बनाऊँगी तो मैं ज़रूर आपके साथ उसे शेयर करूँगी। और आज जो हमने ब्रेकफास्ट में लिया था, जो भी हमारा ब्रेकफास्ट था जिसे हम चीला कहते हैं, तो वो मीठे वाले चीले थे। तो अगर आपको वो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिससे मैं आपकी उन चीज़ों को भी बता सकूं। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए किट्टू के पापा आ चुके हैं और किट्टू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है अपने पापा को देख के। तो अभी 2 बज रहे हैं, अब हमारा लंच टाइम है तो अब हम लंच करने जाएंगे। फिर लंच करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसके बाद क्या किया। तो गाइस लंच करके मैं सो गई थी क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठी थी इसीलिए मुझे दोपहर में नींद आ गई इसलिए मैं सो गई। तो उसके बाद मैं उठी तो मैंने ये चाय चढ़ा दी है। अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:30 के करीब हो रहा था, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है अंडमान में इस टाइम पे। तो ये देखिए बस चाय जो है वो मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो मॉर्निंग में 1 कप थी, अभी 2 कप चाय बनी हुई है। तो बस ये चाय जो है वो मैंने बना ली है, थोड़ा बहुत कुछ अगर नाश्ता करने का मन होगा तो वो बनाया जाएगा, नहीं तो चाय ही मतलब पी लेंगे। फिर अभी जो है मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखाऊंगी, जो शाम हो चुकी है बाहर, मतलब कि 5:30 बजते बजते जो है वो अंडमान में शाम हो जाती है। अगर आप बंगाल में भी रहते होंगे तो वही आपका टाइमिंग जो है वो मैच करेगा, बट अगर दिल्ली में हैं आप तो वो मैच नहीं करेगा क्योंकि दिल्ली में इतनी जल्दी शाम नहीं होती है। हाँ ठंड की वजह से वहाँ पे भी जल्दी होनी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है, बिल्कुल अंधेरा हो गया 5:30 बजे के करीब। तो बस अब जो है हमारा जो चाय है वो मैं पीऊँगी और उसके बाद बस किट्टू के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करूँगी। सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो दोपहर में ऐसा लगता है कि आलस आलस सा आता रहता है। तो ये देखिए बस जो हमारी टीवी है वो चालू है, टीवी देख रहे हैं, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत किट्टू के साथ भी टाइम पास करेंगे। अब मम्मा को गाना सुना रहे हो? हाँ कौन सा गाना सुना रहे हो? डायनासोर वाला। डायनासोर तुमको खा जाएगा। मेरे को खा जाएगा? ओ फिर क्या होगा? हाथी दादा तुमको बचा देगा। बचाएगा मुझे हाथी दादा? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा किट ट्विंकल ट्विंकल सुनाना। और क्या सुनाओगे? और जानी जानी वाला नहीं, टेलिंग लाइ नो पापा, ओपन योर माउथ, वेरी गुड मेरा बेटा। अच्छा किट्टू चंदा ने पूछा तारों से सुना दो। तारों ने पूछा हजारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे बड़ा कौन है? पापा, मेरे पापा। किसके पापा? आपके पापा। वेरी गुड।
सो गाइज, रात का जो डिनर है वो चलिए देखते हैं मम्मी के ढाबे में क्या बना है। तो मम्मी द ढाबा में आज बन रहा है चाउमीन। जी हाँ, चाउमीन मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। अगर आप चाउमीन की रेसिपी चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी जो रेसिपी है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो मैं डालती हूँ, वो मैंने वीडियो जो है वो डाल रखी है। आप प्लीज़ उसे जाकर जल्दी से वॉच कर सकती हैं। तो ये देखिए, जो हमारा चाउमीन है वो पूरी तरीके से रेडी है। नाउ इट्स टाइम टू सर्व। आज का दिन हो गया ख़त्म। मैंने अभी मम्मी का ढाबा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, उसमें आज की रेसिपी जो बनी है वो है चाउमीन। और चाउमीन ही मेरे घर में सबको पसंद है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी रेसिपी आपको चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर ही इसका जो भी मतलब क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और किस तरीके से मैं इसे बनाती हूँ वो मैंने शेयर कर रखा है। आप प्लीज़ उसे एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर कर लेना। सो गाइस, आज का पूरा दिन ख़त्म हो चुका। तो इस तरीके से जो है मेरा पूरा दिन बीतता है। और अभी जो है डिनर मेरा रेडी है। अब हम जाएंगे, डिनर करेंगे और उसके बाद हम सो जाएंगे। तो चलिए, मैं आपसे फिर मिलूँगी अगली इंटरेस्टिंग व्लॉग में और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो प्लीज़ उसे भी मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं अगली बार से इसे इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए, मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।